हे पब्लिक, आज आपके लिए जबरदस्ती ने हेडसेट लेकर आया हूँ। आज ये हेडसेट यूज किया तो आपको मजे आने वाला है, क्योंकि इस हेडसेट के मदद से बहुत कुछ काम आसान कर ले सकते हो। चलिए, हेडसेट क्या है, उसका यूज क्या है, आज के इस वीडियो में सब कुछ जानते हैं। मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है सागर। हमेशा की तरह आप सभी का स्वागत है सीपीएस टेक्निकल में। चलिए बिना देर के स्टार्ट कर। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा मोबाइल स्क्रीन देख सकते हो, आने के पास कोई भी ब्राउजर है तो आप उस ब्राउजर को यूज कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप से भी यूज कर सकते हो, चाहे आपके पास पीसी है तो पीसी से भी यूज कर सकते हो, चाहे आपके पास स्मार्टफोन है तो भी स्मार्टफोन से यूज कर सकते हो। ब्राउजर के फर्स्ट ऑफ ऑल सर्च बार में आप ब्राउजर ओपन करने के बाद आकर ड्राइवर को सर्च कीजिएगा। चलिए मैं आपको सर्च करके बताता हूँ। गाइस, ओपन करने के बाद जैसे ऐसा होम स्क्रीन आता है, होम स्क्रीन आने के बाद फर्स्ट वेबसाइट आता है, वेबसाइट को ओपन कीजिएगा। ओपन करने पर देख सकते हैं ऐसा होम स्क्रीन है, तो होम स्क्रीन में आपको इस वेबसाइट के मदद से आप स्कूल में कोई भी आप प्रोजेक्ट देते हो, कोई भी ड्राइंग दे रहे हो, आप सिंपल सिंपल इस वेबसाइट के मदद से आपको ड्राइंग बनाने आता है, टेढ़ा बनाते हो, इस वेबसाइट के मदद से आप एकदम स्मार्ट तरीका से ड्राइंग बना सकते हो सिंपल तरीके। मेरे को भी फिलहाल अभी ड्राइंग आता नहीं कोई भी बनाने, लेकिन भी मैं ट्राई करता हूँ एक बेस्ट बनाने के लिए। चलिए आपको बेस्ट कैसा करने का इस वेबसाइट के मदद से बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी एक साइकिल बना के आपको बता रहा हूँ। देख सकते हो, एक दो व्हील लेता हूँ, दो व्हील लेता हूँ, देख सकते हो मैं कुछ नहीं किया, सिर्फ वो दो गोल किया हूँ, एक ठीक जैसा किया हूँ। देख सकते हो, इधर आपको हिसाब से देख सकते हो आप, इस कारण कोई भी आपको आप जो इमेजिन कर रहे हो इधर आइकन आता है सिंपल तरीके से। अभी मैं तो साइकिल बनाने का सोच रहा था, तो साइकिल का ऑप्शन देख सकते हो, इधर साइकिल का ऑप्शन आ गया। चलिए मैं इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। देख सकते हो मेरा साइकिल बन के रेडी है सिंपल तरीके से, स्मार्ट तरीके से। मेरे गाइस, ये साइकिल जो ड्राइंग बनाया मेरे को अभी सेव चाहिए, तो देख सकते हो इधर तीन डॉट के ऊपर क्लिक कीजिए। तीन डॉट के ऊपर क्लिक करने पर देख सकते हो डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है आपको, दिख रहा रहेगा इधर डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, उस डाउनलोड का ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके सिंपल तरीके से जो ड्राइंग बनाए सिंपल तरीके से देख सकते हो। मैं डाउनलोड भी हो गया, देख सकते हो सिंपल तरीके से मैं डाउनलोड भी कर लिया। आप भी सिंपल तरीके से, आपको कोई भी ड्राइंग नहीं आता तो इस वेबसाइट के मदद से इजी तरीके से ड्राइंग बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट वेबसाइट क्या है गाइस। चलिए फर्स्ट दूसरा वेबसाइट है, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से क्रोम ब्राउजर में आने के बाद सर्च बार में गाइस देख सकते हैं, सर्च करने में फर्स्ट वेबसाइट है तो उस वेबसाइट को ओपन कर दीजिए गाइस। गाइस आपको लिखने के लिए बहुत टाइम नहीं जा रहा है, आपको टाइपिंग करने के लिए थोड़ा नहीं आता है, फिर आपको हिंदी में लिखना तो आता ही नहीं, तो आपको इंग्लिश में तो लिखने नहीं आता है प्रोफेशनल तरीका से, तो आप इस वेबसाइट के मदद से आपको प्रोफेशनल तरीका से वो खुद लिख के देगा आपको। सिर्फ सिंपल में आपको से बोलना चाहिए तो माइक से बोल सकते हो, चाहे आपका कोई भी टाइटल है तो आप सिंपल तरीके से इस वेबसाइट के मदद से टाइटल लिख सकते हो सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल आने के बाद इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देगा, क्लिक करने के बाद देख सकते हो ऐसा होम स्क्रीन आता है, आने के बाद गाइस इधर तीन डॉट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। तीन डॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद टेक्स्ट आप किस लैंग्वेज में लिखना चाहते हो, तो सिंपल तरीके से मैं अभी एक हिंदी में लिखना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेता हूँ मैं हिंदी लैंग्वेज, देख सकते हो इधर हिंदी लिखा हुआ है, हिंदी ले लिया। लेने के बाद गाइस आपको लिखने के लिए प्रॉब्लम है, आपको पढ़ना आता है लेकिन उतना ही थोड़ा हार्ड, जो आपको इंग्लिश का पढ़ने का थोड़ा बहुत हार्ड लगता है, तो इस वेबसाइट के मदद से सिंपल तरीके से आप इंग्लिश में, चाहे आपका हिंदी या चाहे आपका कोई भी लैंग्वेज हो, तो आप इंडिया में है तो आपको कितना लैंग्वेज आता है उस लैंग्वेज के हिसाब से आप इस वेबसाइट के मदद से सिंपल तरीके से कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक लिख कर बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को अभी कीबोर्ड यूज करने का जरूरत नहीं, क्योंकि कीबोर्ड यूज ना करने के लिए ये वेबसाइट बना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी माइक का ऑप्शन दिया गया है, इधर गाइस इधर देख सकते हो माइक का ऑप्शन दिया है। चलिए माइक के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, इस वीडियो चालू कर दे गाइस। चलिए बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। देख सकते हो भाई, जो माइक ने बोला देख सकते हो सेम उसी तरीके से एकदम सिस्टम
कोई भी यूज कर सकते हैं क्योंकि उसको हिंदी या इंग्लिश या कोई भी आप लोग लेंगे तो थोड़ा पढ़ने लिखने का थोड़ा ढीला है तो आप इस सेक्शन के मदद से आप आसान कर ले सकते हैं सिंपल तरीके से। चाहे आपको ये लास्ट एंड बेस्ट एपसेट है आपका काम का चीज लेकर। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोम ब्राउजर में आने के बाद i2ocr.com बोल के सर्च कीजिए। चलिए मैं आपको सर्च करके बताता हूँ। गाइस आने वाले फर्स्ट वेबसाइट आता है, उस वेबसाइट को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद गाइस इस वेबसाइट के मदद से आपका जो भी आपका फोटो है, आपके पास कोई भी पीडीएफ है, आपके पास कोई भी फोटो है, तो आप सिंपल तरीके से उसका अंदर का टेक्स्ट निकाल सकते हो। वो भी निकाल के आप एडिट भी इधर सिंपल तरीके से कर सकते हो। आप उस टेक्स्ट को कॉपी करके आप किधर आपको भेजना चाहिए, चाहे आपके पास पीडीएफ है तो सिंपल तरीके से आप जीमेल करने का वही पीडीएफ तो आपको पीडीएफ जीमेल उसका अंदर कुछ 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 चीज एडिट करने का है तो सिंपल तरीके से उस पीडीएफ को इधर आप कॉपी करके आप टेक्स्ट में कन्वर्ट करके आप कुछ भी एडिट करके आप टेक्स्ट के अंदर एडिट करके सिंपल तरीके से सामने वाले को सेंड कर सकते हो। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्स्ट को कैसे आप पास फोटो है चाहे आपके पास पीडीएफ है तो सिंपल तरीके से आप उस सिंपल तरीके से इधर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो।